हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु मसीह के नाम से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। सो आइए हम आज की प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पास पैसा नहीं टिकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं टिकता है। बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं टिकता है। ये हर एक घर की समस्या है, ये हर एक परिवार की समस्या है, ये हर एक बिजनेसमैन की समस्या है, ये जो बेचारा दिन रात मेहनत करके कमाता है उसकी समस्या है कि उनके पास पैसा नहीं टिकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह में हैं, उनका भी पैसा नहीं टिकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा करते हैं जिनकी वजह से उनका पैसा नहीं टिकता। लेकिन आज हम कुछ बातों को जानेंगे, ये बातें जानने से हमारा पैसा टिकने लगेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आज तक आपका पैसा नहीं टिकता था तो आज इस प्रार्थना पर विश्वास करें कि इस प्रार्थना के बाद जो मेरी महीने का पैसा है या एक दिन का पैसा मैं कमाता था वो टिकने लगेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जबकि सैलरी घर पे टिकती नहीं थी, व्यर्थ लगती थी, कभी बीमारियों में, कभी संकटों में, कभी परेशानियों में, लेकिन आज इस वचन को सुनने के बाद, इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपका पैसा रुकने लगेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा और तेरे जीवन में अद्भुत कार्य को करूंगा। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र बाइबल वचन हाग्गे में लिखा हुआ है 1:6 में कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा कटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई शहद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम हमारी मजदूरी शहद वाली थैली में रखते हैं। हालेलुया। जो भी हम पैसा कमाते हैं वो हमारे पास नहीं टिकता है। हालेलुया। हम कुछ भी पैसा कमा लें वो हमारे पास नहीं टिकता है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा टिकना लगे, आपके घर में आपकी सैलरी टिकने लगे, आप उन पैसों को कहीं अच्छी जगह लगाएं, तो आपको करना क्या है। हालेलुया। हमें पहला कदम क्या करना है, पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। हमारा पहला हिस्सा हमने परमेश्वर के लिए निकालना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए नहीं निकालते हैं और वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहल परमेश्वर को नहीं, पहल हम हमारे लिए सूट के लिए निकाल रहे हैं कपड़े, ये मेरे गहने के लिए मैंने पैसा निकाल लिया, ये मेरे कपड़े के लिए मैंने पैसा निकाल लिया, ये बिजली के बिल के लिए मैंने पैसा निकाल लिया, ये उसको देने के लिए पैसा निकाल लिया, ये उसको देने के लिए पैसा निकाल लिया, ये उसको देने के लिए पैसा निकाल लिया, और जब बच्चे थोड़े से पैसे तब बोला हाँ अब तो परमेश्वर के हिस्से तो निकालना है। नहीं, बल्कि पहल परमेश्वर को दो। जब आप पहल परमेश्वर को दोगे तो अपने आप आपका पैसा रुकने लगेगा, यह पवित्र वचन कहता है। ऐसे सारपत विधवा ने एलिया से, एलिया ने क्या कहा कि थोड़ा सा पानी पिला दे, वो जब पानी लेने जाते बोल रहा है एक चप्पा रोटी भी लेती है। इसका मतलब उसने, वो कहती है कि परमेश्वर की कसम मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये दो चार लकड़ी बीन के जा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मेरे बेटा ही मर जाएगा, उसकी सोच यहीं तक थी। लेकिन उसने जो पहल परमेश्वर को दी, उसने क्या कहा, पहले मेरे लिए बना के लेके आ। और जैसे ही उसने ऐसा किया तो जब तक अकाल चलता रहा तब तक उसके घर से ना वो मैदा खत्म हुआ। हालेलुया। ब्लैसिंग ही ब्लैसिंग आते हैं, इसलिए चाहे आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन पहल परमेश्वर के लिए निकालना सीखें। जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप फलवंत नहीं होगे। इसलिए पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए जरूर जरूर निकाल लें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पवित्र वचन भी ये कहता है कि पहला हिस्सा हमें परमेश्वर के लिए निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा हुआ है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। अगर आप थोड़ा बोते हैं तो थोड़ा ही काटोगे, आप तो बोते ही नहीं है तो आप काटोगे क्या? आप कहते हो सबका हिस्सा निकालने के बाद आप सोचते हो अरे चलो अब ना परमेश्वर के लिए निकालते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा हुआ है, हम कहते हैं चलो अब किसके लिए निकालें, अरे परमेश्वर के लिए निकालना था, अब चलो कोई वजन थोड़ा बोते हैं अगली बार ही दे देंगे। नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि
हमने क्या करना है कि हमने ज्यादा से ज्यादा बोना है। वचन कह रहा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, आप जितना काम करते हैं आपको उस हिसाब से मजदूरी मिलती है। जब आप खेत में कोई बीज लगाते हो तो जितने बीज लगाओगे उतना ही आप काटोगे, अगर ज्यादा बीज लगाओगे तो ज्यादा काटोगे, अगर कम बीज लगाओगे तो कम काटोगे। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम में ज्यादा से ज्यादा बीजना है। दूसरा कुरिन्थियों 8:7 में लिखा हुआ है, तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और सब प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाओ। हालेलुया। किसमें बढ़ना है? हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है, परमेश्वर की हर एक बात में बढ़ना है, उस प्रेम में बढ़ना है। लेकिन वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, ये हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी हमें आत्मिक बनाओ, हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हमें चंगाई प्रदान करो, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने वाले हों, हम लवलीन होने पाए, हम आगे बढ़ने वाले होने पाए, हम ब्लेसिंग मिलने पाए, हमें आत्मा का फल मिले, हमें आत्मा का वरदान मिले, हमें अन्न वस्त्र का वरदान मिले, हम अच्छे से प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर कह रहा अच्छी बात है, इनमें भी बढ़ो। प्रभु ये नहीं कह रहे इनमें मत बढ़ो, इनमें भी आगे बढ़ते जाओ। वचन कहता तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा, लेकिन वचन कहता है इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, जो हम परमेश्वर को देते हैं भेंट, इसके अंदर भी हम बढ़ते जाएं, तभी तो हम कमाई को खाएंगे अपनी को, तो ही तो हमारी कमाई में बढ़ोतरी आएगी जब हम इस बात को समझेंगे। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, वो बाकी कामों में आगे बढ़ते रहते हैं, हर एक काम में आगे बढ़ते, सेवा में आगे बढ़ते हैं, हर एक बात में आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है अच्छी बात है बढ़ते जाओ, लेकिन परमेश्वर के भेंटों में भी आगे बढ़ते जाओ। और वहां पर हम लोग नहीं बढ़ते हैं, वहां पर हम हमारे हाथ को टाइट कर लेते हैं, हम कहते हैं नहीं अब नहीं आगे बढ़ना, इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत नहीं, बल्कि आगे बढ़ते जाएं, मैं करूं ऐसा करके देखिए, परमेश्वर आज का झरोखे खोलकर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और परमेश्वर का जीवित वचन मलाकी 3:10 में क्या हमें बताता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। हालेलुया। यह परमेश्वर ने आपके लिए चैलेंज किया है कि तुम ऐसा करके देखो, मैं तुम्हें ब्लेस कर दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत कर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य कर दूंगा, तभी तो हमारे घर में पैसा टिकेगा, तभी तो हमारा धन टिकेगा। हम लोग क्या करते हैं, बाकी काम कर लेते हैं लेकिन इन कामों में हम फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं आपका पैसा टिके, तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इन बातों को ध्यान से समझें और इसके अंदर बढ़ते जाएं। ले व्यवस्था 27:30 में लिखा हुआ है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमान, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हर एक बात के लिए पहल परमेश्वर को दे, हर एक बात मतलब हर एक बात के लिए परमेश्वर का पहल दे। वचन कह रहा है कि अगर आपके घर में फल भी लगता है तो उसका पहला फल तोड़कर परमेश्वर के लिए रखें कि ये मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहा हूँ, ये मैं परमेश्वर के लिए रख रहा हूँ। तो ऐसा करके देखो, मैं आकाश को झरोखे खोल कर तुम्हें अपरंपार की तुम्हारे ऊपर वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। व्यवस्था विवरण 14:22 में लिखा गया है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे सारा दशमांश अवश्य अलग करके रखना, जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा कहे। हालेलुया। वचन कहता है कि पूरे साल का जो आप लोग दशमांश है यह भी परमेश्वर के लिए निकाल कर रखें। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम तो एक दिन का दशमांश ही निकालते हैं, तो पूरे साल का क्या निकालेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 16:17 में लिखा हुआ है कि स्वपुरुष अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करो। ये सबसे गहरी बात है कि जो परमेश्वर हमें दे रहा है हमने परमेश्वर के लिए वो देना है, जो परमेश्वर हमें दे रहा है हमने परमेश्वर के लिए देना है। परमेश्वर हमें 100% दे रहे हैं, हमने 10% देना है, 90% हमारा है। हम किसी के साथ कोई बिजनेस करते हैं, वो कह रहा है कि भैया 50-50 होगा, जो अपनी कमाई होगी वो, कह रहा हाँ चलो ठीक है 50-50 सही है। कुछ लोग कहते हैं भाई जी आपको सिर्फ 10% ही मिलेगा, वो कह रहे चल कोई बात नहीं 90 तुम रख लो मुझे 10 ही दे दो। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर आपको साफ साफ कह रहे हैं कि आप मुझे 10 दो, मैं तुम्हें 90 दे रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या है। और जो अपने परमेश्वर का 10 दे रहे हैं वो जो 90 आ रहा है वो 9 लाख के बराबर है।
90 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब हम अपना हिस्सा निकालते हैं परमेश्वर के लिए तो वो बढ़ता रहता है। हमारा धन व्यर्थ नहीं लगता, हमारे धन में जो कीड़ा नहीं लगता, बल्कि हम थोड़ा सा धन निकाल लेंगे, कभी क्या लिया, कभी क्या लिया, कभी क्या लिया, कभी क्या लिया। अगर आपका पैसा नहीं रुकता था तो इन वचनों को अपने दिमाग के अंदर बैठा लें कि हमने पहल परमेश्वर को देनी है हर एक काम में। मैंने आपको वचन में से समझाया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इनके घर में, इनके बिजनेस में कमाई नहीं है वैसा करके देखें, परमेश्वर आकाश का झरोके खोलकर आपको ब्लेस करने वाले हैं। अब अपने पास कोई नोट है अपने हाथ में रखें, अगर आपको सिक्का अपने हाथ में रखें, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पैसा रुकने वाला है। और रबसल लखर रब नमराजुंग राजा, मैं प्रॉफिट सुमंदी पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम से, मेरे पिता इनका जो धन है, इनका जो पैसा है, आज से अभी से रुकने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका पैसा जो व्यर्थ लगता है, व्यर्थ की बीमारियों में, व्यर्थ की ऐसे केसों में पैसा लग जाता है इनका, ऐसे झूठे केसों में कैसा लग जाता है, ऐसे लड़ाई झगड़े में पैसा लग जाता है, ऐसे फालतू इनका पैसा जो लगता रहता है, इनके घर में पैसा नहीं टिकता है, कभी बीमार हो गए, कभी पशु बीमार हो गए, कभी साधन खराब हो गए, जो भी इनका पैसा व्यर्थ लगता है, आज से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका पैसा व्यर्थ ना जाने पाए, इनका पैसा व्यर्थ ना लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका पैसा व्यर्थ ना जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये लोग ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये लोग ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखने वाले परमेश्वर अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ, इन्हें ब्लेस करो, और आज से इनका धन ब्लेस हो चुका है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज से इनका पैसा रुक चुका है, आज से इनका पैसा रुकना शुरू हो चुका है मेरे पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह है, ऐसे इन पर बना रहे मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।